हेलो बच्चों, जेई एडवांस का एग्ज़ामिनेशन 27 मई को है, कल है बेटा। और इसके लिए मैं कुछ टिप्स देता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी आपने साल भर एक अच्छी और कड़ी मेहनत की है और एग्ज़ामिनेशन टेम्परामेंट आपको बनाने की अब ज़रूरत है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जो आपने कड़ी मेहनत साल भर की है उसमें प्रोड्यूस करना है कल आपको, तो आप घबराएं नहीं। ये आपके जीवन का पहला और आखिरी एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर तो आप फील कर ही रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम को, इतना बड़ा एग्ज़ाम है। बड़ा इसलिए कि एक टफ एग्ज़ाम होता है और काफ़ी प्रेस्टीजियस भी है, इसमें दो राय नहीं है, और काफ़ी ड्रीम्स भी आपने लिए होंगे। तो मैं आपको राय यही दूंगा बेटा कि जो आपने साल भर पढ़ा है उसको आज थोड़ा बहुत जो रिवीजन कर रहे हैं वो रिवाइज फॉर्मूले वगैरह देख लीजिए, ये सब बातें देख लीजिए, ना कि नया पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ नया नहीं पढ़िए, आप आराम से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, रात को पूरी नींद दीजिएगा। कल जब पेपर देने जाएंगे ना तो फ्रेश माइंड से जाइएगा, लोड लेके नहीं जाना है आपको, तो फ्रेश माइंड से आना है। पूरी स्लीप, साउंड स्लीप होनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर सामने मिले तो आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से पेपर को हैंडल करें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन देखा या दूसरा देखा, दो क्वेश्चन नहीं आते हैं और आप हड़बड़ा गए। अगर आप हड़बड़ा जाएंगे तो आप अच्छे से पेपर टैकल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है शुरू के दो क्वेश्चन आपसे ना निकलें और पीछे के 6 क्वेश्चन आपसे निकल जाएं, ऐसा ही होता है। तो आपने जो प्रिपरेशन की है होल्ड रखिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो पहले कीजिएगा। देखिए, हमेशा ये बातें बताई जाती रही हैं, सीक्वेंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आता है आप वो कीजिए। आप सरसरी तौर पे देख लीजिए एट ए ग्लांस कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, उनकी तरफ पहले जाइए, उनको कर लीजिए। और ज़रूर आपके 2-4-5 क्वेश्चन जैसे ही जल्दी निकल आएंगे ना, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप पेपर को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये बातें बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। कोई क्वेश्चन अगर अटक जाए, जैसे आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मैं निकाल लूँगा, और कोई क्वेश्चन स्टकअप हो जाए, किसी बात से फंस जाए, तो उस पर समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि भिड़े रहें, क्योंकि एग्जामिनेशन में 2 पेपर हैं आपके, दोनों ही कंपलसरी हैं देना, 3 घंटे में आपको बेस्ट देना है। तो अगर कोई सेक्शन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो अगले सेक्शन में चले जाएँ, अगले क्वेश्चन पर चले जाएँ। ठंडा दिमाग बनाए रखें और आपने मेहनत जो की है वो अच्छे ही रिजल्ट लेके आएगी, तो बिल्कुल टेंशन ना करें। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इतनी कड़ी मेहनत की बात क्यों ना हो। लेकिन फिर भी जो बच्चे थोड़े से कम नंबर भी आ जाए उनको चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीवन में केवी जेई एडवांस ही एक एग्जामिनेशन है, इसके बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। बिल्कुल मिलती है और लोगों को मिलती आ रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, बड़ा एग्ज़ाम है लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा पेपर में ये मत सोचिए कि मुझे हाई स्कोरिंग करनी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 40-45% भी आपके आ जाएंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपका। कोई 100 में 90% बोर्ड एग्ज़ाम नहीं चल रहा है यहाँ पर कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तरह एडवांस का पेपर आप करने की सोचें। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगर आपने कड़ी मेहनत की है और ठंडे दिमाग से पेपर हैंडल करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। तो पेशेंस रखें, धैर्य रखें, कुछ नया ना पढ़ें, रात को साउंड स्लीप लें और कल एग्जामिनेशन देने जाएं तो टेंशन फ्री होकर क्वेश्चन को हैंडल कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ना निकले शुरू में, हड़बड़ाएं ना, बाकी निकाल लेंगे। जहां 2-4-5 क्वेश्चन अपने लय वाले निकले वो कमाल कर देंगे। एक बार और ध्यान रखिएगा, देखिए जो क्वेश्चंस आसान लगते हैं आपको या आपकी स्ट्रेंथ से मैच करते हैं वो क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि निकाल के छोड़िए, जल्दी निकाल के छोड़िए, वो गलत नहीं होने चाहिए। बाकी टफ क्वेश्चन रहेंगे तो पूरे स्टूडेंट के लिए भी टफ है, तो आपसे नहीं निकलेंगे तो बाकी लोग से भी नहीं निकल सकते हैं। तो ये थोड़ी देखने वाली बात है। कॉन्फिडेंस बनाइए, आप अच्छा करेंगे, बस जाके फाइट कीजिए मुस्कुराहट के साथ। यू विल डू योर बेस्ट। गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मैं यही बोलूंगा कि जो मेहनत आपने की है उसकी सफलता मिले, आपके सारे सपने पूरे हों। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।